कोई है तो नहीं आगे पीछे, कूद पड़ के मर जाऊँ या किधर मर जाऊँ, यही रास्ता है, इधर रास्ता नहीं मेरा। हमारे घर में कोई नहीं है, मेरी मम्मी पापा गुजर गए। मैं विजय डोबरिया, प्रेसिडेंट सद्भावना वृद्धाश्रम। 2015 में हमने ये सद्भावना वृद्धाश्रम शुरू किया। अभी ये 8 साल में अभी 500 से ज़्यादा ओल्ड एज लोग हैं। पड़तरी तहसील के फतेहपुर गांव में हुआ है। मेरा पेरेंट्स है वो भी सब खेती करते हैं, मैं भी खेती में ही था, वहाँ से ही स्टडी की। बाद में मैं हाई एजुकेशन के लिए राजकोट आया। जब मैं पढ़ता था MSW में मास्टर ऑफ सोशल वर्क, उसमें आता था का था कि जिसके कोई नहीं, पूरी ज़िंदगी काम किया है, अब वो कैंसर है तो उसको कौन रखेगा। मैंने एक ऐसा आश्रम करने का सोचा कि पूरे इंडिया से ऐसे लोग को मैं संभाल सकूं। पहला तो ऐसा ही सोचा था कि 20 आदमी को मैं रखूं, लेकिन जब 20 आए तो 20 का हो गया, तो मुझे 40 रखा तो 40 का होने लगा, तो सोचा कि ये तो भगवान का है और उसमें भगवान पार्टनर है, तो इसे पूरी इंडिया के लिए खुला हो जाए तो जिसको भी ज़रूरत हो वो यहाँ आ सकता है और रह सकता है। आज पूरे लोग की मदद से ये चलता है और भगवान का भी बहुत हम पे शुक्रिया है। मैं भी एक अभी भी मिडिल क्लास फैमिली में ही हूँ, मैं इतना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये सब सबका साथ मिल रहा है इसलिए ये सब चल रहा है। जब सद्भावना वृद्धाश्रम की 2015 में शुरू की तो एक किराए के मकान पे हमने की थी, तो 1-1.5 साल के बाद जो पिपड़िया परिवार है, मोहन भाई पिपड़िया और उसके बेटे ने ये पूरा बिल्डिंग हमको डोनेशन में दे दिया, दस्तावेज कर दिया। पहला तो ये चमत्कार लगना था कि 8-10 करोड़ का ये बिल्डिंग कौन देगा, तो वो तो ईश्वर का चमत्कार है कि ऐसा डोनेशन देने वाला भी कोई आ जाए। अभी 500 से ज़्यादा ओल्ड एज लोग हैं। अभी तो कहीं हमारे पास जगह नहीं, तो हमने दूसरी 30 एकड़ ज़मीन ली राजकोट के पास में, और 2000 वड़ीलों के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। जितना भी पूरे इंडिया में से आए तो हम किसी को भी ना बोल सके, इसके लिए हम 2000 वड़ीलों के लिए दूसरा बड़ा आश्रम बना रहे हैं, और उसमें भी सबकी अच्छी मदद मिल रही है। जब कोई बुजुर्ग का अवसान हो जाता है तो हम उसमें जो उसके साथ आए थे छोड़ने के लिए उसको फ़ोन करते हैं। अभी तक 1000 से ज़्यादा हमने अंतिम क्रिया की है लास्ट 8 ईयर्स में, तो 1000 में से 100 लोग में ही कोई आए होंगे। 900 बुजुर्ग के अवसान के बाद कोई लोग उसको कुछ पूछने के लिए भी नहीं आया। वृद्धाश्रम शुरू किए आज तक कोई मुझे चैलेंजेस जैसा लगा ही नहीं है, इतना इजी लगा है। और हमारा स्टाफ को ऐसा कुछ मोटिवेटिंग नहीं किया, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट जो वातावरण है यहाँ का वो भी यहाँ ऐसा है कि आप आओ तो आप भी उसमें सेवा में लग जाओ। समय ऐसा है जो आप आज कर रहे हो वो 20 साल के बाद आपको वापस मिलेगा। आप आज आपके माँ बाप के साथ अच्छा करोगे तो 20 साल के बाद आपके बेटे आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जो आप चाहते हो कि आप पूरी ज़िंदगी खुश रहो, तो आज जो आपके पास जो सत्ता है, जो आपके पास सिस्टम है, उसको अच्छी बनाओ कि आपके माँ बाप, आपके पड़ोस वाले सब खुश हो। तो मेरा तो यह सौभाग्य है कि मुझे 500 से ज़्यादा माता पिता की सेवा करने का मौका मिला, क्योंकि आज जो पूरे गुजरात में मुझे पहचानते हैं वो सद्भावना वृद्धाश्रम के जरिए पहचानते हैं। कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई पर ज्ञाति के लोग आ सकते हैं, कुछ का चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, सब फ्री में रखते हैं। सब जो डोनर्स की मदद मिल रही है इसमें ये आश्रम चल रहा है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आज एजुकेटेड होकर मैं अच्छी तरह से जी रहा हूँ, तो मैं कई लोगों की सेवा करूँ, ये सोचकर मैंने ये शुरू किया। शेयर एंड डाउनलोड करो दिव्य भास्कर ऐप।